हाय गाइस, दिस इज माय लास्ट वीडियो ऑन टिकटॉक. और देखिए, उसका रीज़न ये है कि जाने अनजाने चाहे जैसे भी, बट चाइना की वजह से आज पूरी की पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है और हमारी लाइफ, हम सब की लाइफ एक बहुत बुरी तरीके से चेंज हो गई है. और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हम जिसकी वजह से फंसे हैं, उसी कंट्री के ऐप पर हम अपने इन दिनों को बोरिंग होने से बचाने के लिए टिकटॉक पे वीडियोस बना के शेयर कर रहे हैं और डेली डेली हम करोड़ों का रेवेन्यू चाइना को दे रहे हैं. तो मैंने सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब चाइना को और सपोर्ट नहीं करना है. तो यस, मैंने तो डेफिनेटली पक्का ठान लिया है कि अब मैं चाइना के टिकटॉक तो डेफिनेटली यूज़ नहीं करूंगी और चाइना की जो और चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं वो भी आगे से यूज़ नहीं करूंगी. स्पेशली लॉकडाउन में तो जिसको देखो टिकटॉक वीडियो बनाने पे लगा हुआ है गाइस. और कुछ दिनों पहले तक मैं भी यही कर रही थी, बट जैसे ही मुझे पता चला कि ये एक चाइनीज़ ऐप है और हम लोग चाइना को कितना ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं बना के, तो उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब नहीं, अब मैं टिकटॉक की वीडियोस अपलोड नहीं करूंगी गाइज. एंड यस, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही करिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दीजिए, टिकटॉक में वीडियोस बनाना बंद कर दीजिए. और हम इंडियन बहुत टैलेंटेड है भाई, और हमें अपना टैलेंट दिखाने के लिए या फेमस होने के लिए किसी चाइनीज़ ऐप की ज़रूरत नहीं है. तो आप अपनी वीडियोज़ बनाइए, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर शेयर करिए. और यस, यही कहूँगी गाइज, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि इरादों से और दिल से, तो आप लोग जरूर ऐसा करेंगे. यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और यही मेरी आपसे होप है. अंजलि.